अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है तुहाडा फकीरी रंग चैनल दे विच। एक बार फिर हाजिर आप दी खिदमत दे विच अज दा ए नवा वीडियो लेके। सो अज दे वीडियो दे विच एक जो टॉपिक आपां सांझा करांगे, इस टॉपिक दे विच एक सच्ची घटना ते अजकल दी जो सच्चाई है उस नूं आप जी दे नाल सांझा करांगा। तो आस करांगा कि इस दे विच कुछ ना कुछ जरूर सीखण नूं मिलेगा, कोई नवीं गल उस मालक दी रजा दे विच रह के अपने जीवन नूं बतीत करन दा तरीका। तो जिन्ना कुछ उस मालक दी तरफों आप जी नूं बख्शिया गया उहदे विच रहिंदे होए जिंदगी नूं गुजारना ते हौली हौली अगे वधना। की अज दा विशा कि असल कारण लोकां दे दुखी रहण दा ते घर दे विच बीमारियां आउण दा। घर दे विच बीमारी दा आउणा, उस तों बाद मन दा दुखी रहना, इस गल नूं बहुत लागे मैं देखिया कुछ दिन पहलां। उही गल आप जी नाल सांझी करांगा। गल की सी कि एक व्यक्ति मिलिया जो कि एक सरकारी मुलाजम, वो गल कर रहा सी साडे नाल दे दोस्त दे नाल। तो उन्होंने गल्लां नूं मैं बड़े ध्यान दे नाल सुनिया सुनिया। वो कहिंदा कि मैं अपने रोज दे जीवन दे विच सरकारी जॉब करदा, ड्यूटी जाना, तो 60-65 हज़ार रुपया कहिंदा मेरी सैलरी है, पर मेरे घर दे विच बीमारियां कहिंदा मैनूं खुद अस्थमा रहिंदा, साह दी प्रॉब्लम रहिंदी आ, ते मेनूं इन्ने क पैसे आउंदे आ कि तनखाह कहिंदा वक्खरी है, ते उदां मेरे कहिंदा उपरों पैसे बहुत बन जांदे आ। कुवारा आ कहिंदा हजे ब्याहिया नहीं, मैं अपने दो प्लाट लै लै, सारा कुछ घर दा समान बना लिया, पर बीमारी पता नहीं लगा कित्थों, मैनूं कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। उन्हां दीआं गल्लां नूं मैं बड़े ध्यान दे नाल सुनिया, ते जदों मेरे नाल दे दोस्त नाल गल कर रहा सी ते उसने कहा, कहिंदे कि इह वी मेरा दोस्त है, इस दे नाल आपां इस गल ते विचार कर लैंदे आ वी हो सकदा कोई हल मिल जावे। ते उस वीर ने मैनूं दस्सिया कि मैनूं किसे तरां दी कोई परेशानी नहीं, पर मैं रहना सदा बीमार रही हूं। जे आप पैसे की कहना गल करिए, पैसा मेरे तो बहुत आता, मैनू पैसे वालों कोई फिक्र नहीं, जो अजकल दुनिया पैसे का फिक्र करती, मैनू पैसे का कोई फिक्र नहीं। मेरा घर भी बनया, मेरे को नवे प्लाट भी मैं ले हुए ने, पर मैं रहना बीमारी हाँ, बीमारी का कारण नहीं पता लगता की है। मेरे पापा भी कहते सरकारी जॉब करते हैं, मम्मा भी सरकारी जॉब करते हैं, मैं भी सरकारी जॉब करता, बीमारी का कारण नहीं, पापा ही बीमार है, मम्मा ही बीमार है। तो मैं उन्होंने पूछा, मैं भी तीन गल्लां मैं तेरे तो पूछनियां, मैं तीन गल्लां का जवाब सही सही दे दियो, तो उस तो बाद मैं तुहानूं हल दस दूंगा। कहिंदा जी हाँ जी वीर पूछो। मैं कहा भी तुसीं तीनों मम्मा पापा ते तुसीं इक्को डिपार्टमेंट विच हो? कहिंदे जी हाँ जी, पापा ने ही मैनूं उत्थे लवाया, मम्मा भी उत्थे सी। ते मैं कहा जिद्दां तुसीं उपरों पैसे बणाउंदे हो, की तुहाडे पापा ते मम्मा भी उपरों पैसे बण जांदे ने? कहिंदा जी हाँ जी, उन्हां दे भी इद्दां ही आ। मैं कहा भी उपरों पैसे तुसीं बणाउंदे किद्दां, मैनूं इस गल नूं थोड़ा जिहा क्लीयर करो। कहिंदे कि जदों किसे दा कोई काम हुंदा, जल्दी करवाउणा जां अगे पिछे करना, कोई एंट्री पहलां पाउणी आ, एंट्री दी डेट अगे पिछे करनी आ, तो उन्ने बाले थोड़े बाले आपां नूं पैसे दे दिंदे ने, 2000, 4000, 5000, ते आपां कंप्यूटर दे विच टाइप कर दईदा, क्लर्क दा काम है ते अगे पिछे कर लईदा। फिर मैं कहा भी हुण पापा उह कहिंदे सारे दे माड़ा मोटा कर लैंदे ने, पैसा सातों सारा बहुत है। फिर मैं उहनूं दस्सिया, मैं कहा वीर देख तेरी 40-45 हज़ार रुपया, 60 हज़ार रुपया सैलरी जिहड़ी आ उह वक्खरी है, तेरी मेहनत है, उहदे नाल तेरा घर, तेरा प्लाट, तेरा खर्चा पानी सारा वधिया चलदा। कहिंदा जी हाँ जी। ते मैं कहा प्रॉब बीमारी? कहिंदा बीमारी इह कि अस्थमा है, कि मैं रोज़ एक सिप खिंचदा हाँ, एक साह लैण वाली एक मशीन जी खिंचनी पैंदी, नहीं तां मैनूं साह नहीं आउंदा। मैं कहा इहदा इक्को ही हल है, जिहड़े तेरे उपरों बणदे ने उहनां दी तैनूं इह साह वाली मशीन लगी आ।
ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਨ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਤਲੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੰਗੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ।